फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसे प्रोडक्ट के रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ जिसके बारे में शायद से आप लोगों ने सुना हो, लेकिन मैं ज्यादातर होम रेमेडीज का ही यूज करती हूँ। लेकिन आज मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट का यूज करूंगी अपनी स्किन को शाइन बनाने में, ग्लोइंग बनाने में, क्योंकि इसके ऊपर लिखा है ओनली वन यूज विजिबल रिजल्ट। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक यूज में इसका रिजल्ट सामने आएगा। तो मैंने सोचा अब तक तो हमने बहुत सारी होम रेमेडीज ट्राई कर ली हैं, तो आज एक इंस्टेंट ग्लो वाली भी चीज ट्राई करनी चाहिए। कभी कभी मार्केट बेस्ड भी चीज देख लेनी चाहिए भाई क्या रिजल्ट आ रहा है उनका। वैसे एवरी यूथ है नेचुरल चीज, इसमें ज्यादातर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ही ये चीजें बनती हैं और इसमें जो होते हैं केमिकल्स बहुत कम यूज किए जाते हैं। तो ये एक स्क्रबर है। अब मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी लाइव कि वाकई में ये कितना वर्क करता है। इस पे लिखा हुआ है टैन रिमूवल चॉकलेट एंड चेरी स्क्रबर, और साथ ही साथ इसमें लिखा है एक्सप्लॉइट टू हेल्प रिमूव टैन। साथ ही साथ इसमें ये भी लिखा हुआ है विजिबल रिजल्ट ओनली फर्स्ट यूज। तो देखते हैं ये कितना वर्क करता है। आज आपके सामने ही मैं इसका रिजल्ट शेयर करूंगी आपको, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए इसको लगाकर दिखाते हैं आपको कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो यहाँ पर मैंने अपना चेहरा वॉश कर लिया है। कोई भी रेमेडी लगाने से पहले आपको अपना चेहरा वॉश कर देना चाहिए। तो यहाँ पर चेहरा वॉश कर दिया गया है और अब मैं आपको ये लगाकर दिखाती हूँ। तो चलिए मैंने इसे खोल लिया है, यहाँ से कट कर लिया है। अब कट करने के बाद आपको भी पहले अपना फेस वॉश कर लेना है और फिर देखते हैं ये कैसा कमाल करता है। स्किन पर स्क्रब करना बहुत जरूरी होता है, तो वैसे तो मैं नेचुरल चीजों से ही स्क्रब करती हूँ। यहाँ पर आज मैं जरा ये एवरी यूथ का विजिबल जो है इसको यूज करके देखती हूँ। तो इसे मैं इसे पूरी स्किन पर लगा लेती हूँ। ज्यादातर देखिए हमारे यहाँ पर नोज के एरिया पे ज्यादातर वो होते हैं ना, दाने हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें मैं ये इसे ज्यादा यहाँ पे लगाऊंगी। हालांकि मेरे तो है नहीं, पर फिर भी यहाँ पर थोड़ा ज्यादा अप्लाई करती हूँ मैं। देखते हैं इससे मेरे चेहरे पे कितना ज्यादा ग्लो आता है। सब कुछ आपको इसी रिजल्ट इसी वीडियो में दिखाई देगा, वीडियो में बने रहें। फ्रेंड्स, मुझे लगा था ये डार्क कलर का होगा, पर ये तो बहुत लाइट कलर का निकला है। मुझे लगा चॉकलेटी है तो शायद बहुत अच्छा कलर हो इसमें, डार्क चॉकलेटी, पर ये तो बिल्कुल व्हाइट कलर का ही निकला है। पर देखते हैं ये कितना अच्छा वर्क करता है। इसे आपको पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है। खासकर आप इसे वहां पर लगाइएगा जहां पर आपको लग रहा है आपके ज्यादा टैनिंग है, आपकी स्किन पर ज्यादा दाग धब्बे हैं, क्योंकि ये स्क्रबिंग के साथ साथ आपके टैनिंग को भी दूर करेगा, आपके स्किन को एक्सप्लॉइट भी करेगा, स्किन पर ग्लो भी लेकर आएगा। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अब रिजल्ट आपके सामने है, ये आपको देखना है क्या सच में इसने जो कहा है ये वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मेरे चेहरे पे देखिए ये पूरा लग चुका है। ठीक है, अब इस पर मैं आपको बता देती हूँ इसे किस तरह से थोड़ा सा अप्लाई करना है। इसमें ऐसा इन्होंने कुछ नहीं लिखा है कि अप्लाई कैसे करना है, ये बेसिकली जैसे यूज करते हैं वैसे यूज करना है। हाँ सॉरी, इस पे लिखा हुआ है कि क्लीन द स्किन विद वाटर, जेंटली मसाज द स्क्रब विद फिंगर टिप्स इन स्मॉल सर्कुलेशन मोशन फॉर अबाउट 4 to 5 मिनट। अवॉइड द आईज एरिया, मतलब इसे अपनी आंखों के एरिया के पास अवॉइड करना है, पर मेरा तो थोड़ा सा ये लग चुका है यहाँ पर। अवॉइड करना है और उसके बाद वॉश अवे विद वाटर फॉर द बेस्ट रिजल्ट, यूज 2-3 times वीक एंड फॉलो अप विद एवरी यूथ नेचुरल टैन रिमूवल पैक। इसमें लिखा हुआ है कि इसे फिलहाल इसमें तो यही लिखा हुआ है कि एक ही बार में इसका रिजल्ट दिखाई देगा, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन इसका लिखा है, डायरेक्शन ऑफ यूज जो लिखा हुआ है, उस पर इन्होंने लिखा है कि इसे आपको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करेंगे। इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए आप एवरी यूथ का ही एक अदर पैक आता है फेस पैक, वो यूज करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। लेकिन फिर भी अगर इन्होंने इस पे लिखा है कि विजिबल रिजल्ट ये हमें दिखाएंगे यहाँ पर, तो ट्राई करने में क्या ही बुराई है। अब मैं आपको इसका विजिबल रिजल्ट दिखाऊंगी।
जैसे इन्होंने कहा है कि इसका 4 से 5 मिनट तक जेंटली मसाज करनी है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने देखिए बिल्कुल लाइव दिखा रही हूँ, कहीं भी मैंने कुछ स्किप नहीं किया इस वीडियो में, सब कुछ आपके सामने है। तो यहाँ पर मैं देखिए मसाज भी कर रही हूँ। तो मसाज क्या मैं यहाँ पर ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो नोज एरिया के पास थोड़े थोड़े हमारे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हो जाते हैं वो निकल जाएंगे। तो मैंने इसलिए यहाँ पर इसे ज्यादा थोड़ा सा प्रेशराइज करूंगी अपनी स्किन को, और थोड़ा सा ऐसे करके देखिए इस तरह से आप करें जो भी है आपके सामने है। बिल्कुल भी वीडियो में मैं एडिटिंग नहीं करूंगी, नेचुरल वीडियो रहेगी। चाहे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी लेकिन आपके साथ इसका रिव्यू बिल्कुल रियल शेयर करूंगी मैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसे मसाज करें। आप बताइएगा कि क्या वाकई में आपको मेरे स्किन पर कुछ फर्क दिखाई दिया। देखिए मैंने तो अपने चैनल पर कई ऐसी वीडियोस बनाई है स्क्रबिंग की, और बहुत सारी टैनिंग की वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। तो आप ये सोच रहे होंगे जब आप होम रेमेडीज का यूज करती हैं तो आप ये मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट का यूज क्यों करने लगे। तो मैं मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट का यूज सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि बहुत से लोग जो होते हैं ना जो होम रेमेडीज को छोड़कर मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट पर आ जाते हैं, उन पर एक महंगा खर्चा कराते हैं, बाद में कहते हैं भैया रिजल्ट तो मिला नहीं। तो ये उनके लिए रिव्यू दे रही हूँ कि वो भी समझ जाएं कि वाकई में जो वो पैसा खर्च करते हैं वो किस हद तक सही है। अब इस पर जब लिखा हुआ है कि ये ओनली वन यूज में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और टैनिंग दूर करता है, तो सीधी बात है भैया हम तो देखेंगे कि वाकई में ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ज्यादा महंगा भी नहीं है, मात्र 10 रुपए का है, तो 10 रुपए खर्च करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने 10 रुपए खर्च कर दिए इसके ऊपर। हालांकि मैं ज्यादा खर्च करती नहीं हूँ इन प्रोडक्ट्स पर, मैं जो भी खर्च करती हूँ वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर ही खर्च करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद 2 से 3 मिनट तो हो ही गए होंगे इसे करते करते। तो अब मैं आपको अपने चेहरे को वॉश भी करके दिखाती हूँ, ठीक है? अब आप बताना रिजल्ट कैसा था, क्या वाकई में रिजल्ट चेहरे पर ग्लो आया है या नहीं। तो अभी आप 1 मिनट रुके और मैं अपने चेहरे पर। तो देखिए अब मैं टॉवल ले आई हूँ, सब गीला कर लिया है। मैं आपके सामने ही पोंछ के दिखाऊंगी, कहीं आप लोग ये कहें कि नहीं आपने एडिट कर दिया है कुछ भी, तो मैं एडिट नहीं करूंगी। टॉवल आपके सामने ही मैं भिगो के लाई हूँ और अब मैं आपके सामने ही इसे देखिए वाइप कर रही हूँ, और वाइप करके मैं इसे डायरेक्ट अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। क्या आपको कुछ ऐसा लगा कि कुछ अच्छा हुआ है मेरे चेहरे पर? तो देखिए आपके सामने ही मैंने पूरा का पूरा जो एवर यूथ का फेस पैक था उसे अप्लाई किया, आपके सामने ही लगाया, आपके सामने ही हटाया। अब आप लोगों को जज करना है कि वाकई में इसने वर्क किया, क्या वाकई में मेरी स्किन पर ग्लो आया। वैसे मैं आपको सच बताऊं थोड़ा सा तो मुझे लगा है कि हाँ इसने वर्क किया है, लेकिन बाकी का रिजल्ट मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आप इसको कितने नंबर देंगे और आप कितना जज करेंगे इसे कि वाकई में इसने स्किन पर कुछ भी 19-20 का अंतर दिखा है या नहीं दिखा है। तो चलिए आज का रिव्यू मैंने आपको दे दिया है एवरी यूथ का, और अगर आपको ये पसंद आए, अगर आपको भी लग रहा हो कि इसने अच्छा वर्क किया है तो आप इसे ट्राई कर लेना, और आपको लगता है इसका वर्क अच्छा नहीं है तो आप ट्राई मत करना। पर मैं बताऊं मुझे ये थोड़ा सही लगा, और देखिए इससे थोड़ा सा फर्क भी पड़ा है, स्किन पर शाइन भी आई है। तो अगर आपको ऐसा लगता है चेहरे पर थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ा है तो आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं, इस एवरी यूथ के फेस पैक को ट्राई कर सकते हैं। और फिर आपसे एक बात कहूंगी, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ और आप मुझे मोटिवेट करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये वीडियो पसंद आई हो। तो फिर मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेमेडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।